नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफॉर्मर पे क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है वो करंट ट्रांसफॉर्मर है, और करंट ट्रांसफॉर्मर का जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मीटरिंग टाइप और प्रोटेक्शन टाइप, इस दो टाइप का करंट ट्रांसफॉर्मर जो है वो इंडस्ट्री में यूज होता है। तो गाइस, जैसे आप ये 0.5 देख रहे हो वो मीटरिंग क्लास का करंट ट्रांसफॉर्मर है, और ये 5P10 और PS ये जो है वो प्रोटेक्शन टाइप का करंट ट्रांसफॉर्मर है। तो गाइस, नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट जो है वो ऑलवेज ओनली एंड ओनली जो प्रोटेक्शन टाइप में पीएस क्लास की जो एक्यूरेसी, पीएस क्लास की जो करंट ट्रांसफॉर्मर आती है उसमें ही नी पॉइंट वोल्टेज जो है वो दिया रहता है। बाकी गाइस, अगर 5P क्लास का करंट ट्रांसफॉर्मर है या फिर मीटरिंग टाइप का करंट ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें कभी भी नी पॉइंट वोल्टेज नहीं दिया गया होगा। ओके गाइस, उसके बारे में भी आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें पीएस क्लास और 5P10 क्लास के सिटी में क्या डिफरेंस होता है और नी पॉइंट वोल्टेज क्यों पीएस क्लास में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, और यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी वो आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, सेटअप कैसा रहता है। तो सपोज आप समझिए कि ये जो है वो करंट ट्रांसफॉर्मर है जिसपे हमें नी पॉइंट वोल्टेज जो है वो टेस्ट परफॉर्म करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले चाहिए एक वेरियाक, सिंगल फेज वेरियाक। वो क्या करेगा कि जो वेरियक का जो आउटपुट रहेगा वो वेरिएबल आउटपुट रहेगा, जिस हिसाब से हम ये पोर्ट चेंज करेंगे उस हिसाब से उसका आउटपुट वोल्टेज है वो वेरी होता रहेगा। तो गाइस, यहाँ पे जो फेज जो है उसको हम कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली सिटी के कोई भी एक सेकेंडरी के एक टर्मिनल के साथ, और न्यूट्रल जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे दूसरे सेकेंडरी के एक टर्मिनल के साथ। फिर गाइस क्या करेंगे कि हमें वोल्टेज मेजर करना है कि ये वेरियक कितना वोल्टेज जो है वो इंड्यूस कर रहा है, और हम वोल्टेज वेरी कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज वेरी हो रहा है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मल्टीमीटर लेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली वेरियक के आउटपुट के साथ, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कितना वोल्टेज जो है वो ये वेरियक से सीटी के सेकेंडरी में प्रोवाइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट गाइस हम क्या करेंगे कि एक क्लैंपोन मीटर लेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे कोई भी एक लीड के साथ, जिससे हमें पता चलेगा कि सिटी की सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो गाइस, आई होप आप समझ गए कि सेटअप के लिए हमें टोटल कितनी चीजें चाहिए। अब गाइस चलो बात करते हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं टेस्ट को। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे कि स्लोली वोल्टेज थोड़ा सा राइज करेंगे वेरियक की मदद से। तो जैसे मैं यहाँ से ये जो पोर्ट है उसको घुमाता हूँ तो वोल्टेज जो है वो कुछ हम 20 वोल्ट पहले इंजेक्ट करते हैं सिटी की सेकेंडरी में। तो आपको गाइस क्या करना है कि कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है इंजेक्ट करना है, और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि वाई एक्सिस पे आपको सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ले लेना है, और एक्स एक्सिस पे आपको सेकेंडरी करंट जो है वो आपको मेंशन कर देना है। और उसके बाद जो भी रीडिंग आता है, मतलब कि हमने यहाँ पे 20 वोल्टेज प्रोवाइड किया है सेकेंडरी में, तो आपको वाई एक्सिस पे कहीं पे 20 वोल्टेज लिख देने हैं। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि जो सिटी की सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे 0.1 एम्पियर नोट हो रहा है। तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सेकेंड वाई एक्सिस में जो इतना वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो लिख दीजिए, तो आप 20 वोल्ट लिख दीजिए, और सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे कुछ 0.1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इसी हिसाब से आप एक ग्राफ बना लीजिए। फिर गाइस अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि नेक्स्ट आप थोड़ा सा और वोल्टेज राइज कीजिए। तो जैसे ही आप 20 to 40 वोल्टेज करते हो, तो आपने जैसे ही 40 वोल्टेज किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वाई में क्या होगा, वाई एक्सिस में कि हमने डबल वोल्टेज किया, 20 वोल्टेज में से अपने 40 वोल्टेज कर दिया। तो सेम वे गाइस जो सिटी की सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा था वो डायरेक्टली 0.1 से 0.2 हो गया। दैट मींस गाइस क्या हुआ कि लिनियरली चेंज हो रहा है वोल्टेज और करंट में, मतलब कि अगर आप वोल्टेज में भी राइज कर रहे हो सेम अमाउंट ऑफ रेशियो में सेकेंडरी करंट में भी राइज हो रहा है। वापस गाइस आप नेक्स्ट और थोड़ा वोल्टेज और राइज कीजिए। तो जैसे मैं 60 वोल्ट करता हूँ तो क्या होगा कि जैसे ही 60 वोल्ट किया तो सेम वे सेकेंडरी में भी प्रोपोर्शनली, या तो फिर हमेशा बोले लीनियरली 0.3 एम्पियर आया। दैट मीन्स कि ये जो ग्राफ है वो लीनियरली फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि जो सिटी है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। बट गाइस क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें गाइस एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके उस पॉइंट के बाद जो वोल्टेज और सेकेंडरी का जो वोल्टेज और सेकेंडरी का जो करंट है वो लीनियरली एक दूसरे के साथ राइज नहीं होगा और लीनियरली उसका ग्राफ नहीं रहेगा। तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम नी पॉइंट वोल्टेज बोलते हैं। तो कैसे नी पॉइंट वोल्टेज है, उस पॉइंट से क्या होगा कि जैसे ही आप सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 10% राइज करोगे, मतलब कि आप वोल्टेज में 10% का राइज करोगे, तो आपको जो सेकेंडरी करंट जो है उसमें जो राइज मिलेगा वो 50% मिलेगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में करंट राइज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्या है कि जितना आप वोल्टेज में राइज कर रहे हो वही प्रोपोर्शन में सेकेंडरी में करंट में भी राइज हो रहा है। तो अप टू
एक पॉइंट नी पॉइंट तक क्या है कि वो लिनियरली फ्लो होगा और लिनियरली वोल्टेज और करंट का रेशियो चलता रहेगा। बट जैसे ही नी पॉइंट के बाद, वो नी पॉइंट है उसके बाद अगर आप वोल्टेज राइज करोगे तो थोड़े सा भी वोल्टेज राइज करोगे बट करंट की वैल्यू जो राइज होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि गाइस क्या होगा कि इस पॉइंट के बाद जो सिटी की कोर होगी वो सेचुरेट हो जाएगी, और जिसकी वजह से गाइस क्या है कि इसके बाद नी पॉइंट वोल्टेज के बाद अगर आप सिटी को ऑपरेट करोगे तो क्या होगा कि सेकेंडरी में आपको कुछ भी एम्पियर दे देगा, या तो फिर कुछ एम्पियर जो एम्पियर की वैल्यू होगी वो प्राइमरी करंट के साथ रिलेटिंग में कुछ नहीं होगी, तो वो क्या है कि आपकी प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको माल फंक्शन करवा सकती है। तो गाइस इसीलिए नी पॉइंट वोल्टेज जो है वो ऑलवेज पीएस क्लास की स्थिति जो रहती है उसमें हम मैंडेटरी टेस्ट करते ही, मतलब गाइस क्या है कि फॉर एग्जांपल ये करंट ट्रांसफॉर्मर है इसमें नी पॉइंट वोल्टेज यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि 200 वोल्ट है, इज इक्वल टू और मोर देन 200 वोल्ट है। तो गाइस हमें ये टेस्ट में क्या करना है कि यहाँ पे मैंने 60 वोल्ट तक ही दिखाया है बट आपको 20 वोल्ट 200 वोल्ट तक आपको राइज करना है वोल्टेज, और करंट को मेजर करना है कि जो आप वोल्टेज में जितना राइज कर रहे हो वही प्रोपोर्शनल में करंट में राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट अगर गाइस वो प्रोपोर्शनली 200 वोल्ट तक राइज हो रहा है दैट मीन्स कि ये सिटी जो है वो स्पेसिफिकेशन जिस हिसाब से स्पेसिफाई किया है उस हिसाब से वो उसका नी पॉइंट वोल्टेज बराबर है। बट गाइस अगर ये एडवांस में ही अगर ये 200 वोल्ट के पहले ही अगर वोल्टेज में आप थोड़ा राइज करते हो और करंट का जो राइज है वो बहुत ही ज्यादा होता है तो क्या होगा गाइस कि दैट मीन्स कि इसका जो नी पॉइंट वोल्टेज है वो एज पर द हमने जो स्पेसिफाई किया है, कस्टमर ने जो स्पेसिफाई किया है 200 वोल्ट उस हिसाब से नहीं है, तो आप उस सिटी को रिजेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए कि नी पॉइंट वोल्टेज जो है वो एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके बाद करंट ट्रांसफॉर्मर जो है वो सेचुरेट हो जाएगा, और वो सेचुरेट हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रोटेक्शन सिस्टम है वो माल फंक्शन करेगी। तो गाइज हम जब भी पीएस क्लास की सिटी की नी पॉइंट वोल्टेज डिजाइन करते हैं तो हम ऑलवेज ऑलवेज ध्यान में रखते हैं कि हम सिर्फ हमारी जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो इतने जोन में ही काम करे, नी पॉइंट वोल्टेज है उसके अंदर के जोन में ही काम करे, कभी उसके बाहर में ना जाए। तो गाइज अगर ये जो सिटी जो मैन्युफैक्चरर ने आपको प्रोवाइड की होगी वो गलत नी पॉइंट वाली होगी तो क्या होगा कि आपका प्रोटेक्शन सिस्टम है वो माल फंक्शन होगा। तो इसी चीज यही चीज को कंफर्म करने के लिए हम ऑलवेज नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफॉर्मर पे परफॉर्म करते हैं जब भी हम नया करंट ट्रांसफॉर्मर पीएस क्लास का ट्रांसफॉर्मर जो है वो कमीशनिंग करते हैं तब। तो आई होप आप समझ गए कि नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और हम कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लाते रहे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।